हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में। यदि हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका जो लालन पालन है वो किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है ना। इनके बारे में इनके जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये क्या बनेंगे, बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इसलिए इनके पिता ने डर के कारण क्या किया, इनको वो महल में ही रखते थे और सभी दुखों से दूर रखते थे, क्योंकि इनको लगता था कि कहीं किसी दुख के कारण उनको भी कोई वैराग्य पैदा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, उनको महल में ही रखते थे। ठीक है, उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर से बाहर गए, है ना। वो घर से बाहर जाकर उन्होंने क्या किया, देखा एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, है ना, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को देखा। इन व्यक्तियों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में क्या है, जीवन दुख से भरा हुआ है। और उन्होंने क्या किया, महल त्यागने की मन में उसी दिन ठान ली थी। ठीक है, यदि हम इनके शादी की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? इनका विवाह यशोधरा से हुआ था 16 वर्ष की आयु में, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, लेकिन ये घटना मैंने जैसे आपको बताया कि घटना घटी, एक वृद्ध को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा और साथ में एक मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को देखा। इन सभी व्यक्तियों को देखकर क्या हुआ, उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ। उनको लगा कि नहीं, जीवन तो दुख से भरा हुआ है। फिर बाद में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था और वो क्या था, प्रसन्नचित्त था। उसे देखकर उनको लगा कि नहीं, जीवन तो यही है, इसी तरीके से जीवन को जीना चाहिए। तो वहाँ से उनको कहीं ना कहीं वैराग्य मिल ही गया। ठीक है, तो ये था इनके मतलब शुरुआती जीवन की एक स्टेज थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि ये महल छोड़ दिया जाए। तो एक दिन क्या हुआ, ये महल को छोड़कर चले गए और इन्होंने क्या किया, अपने सभी आभूषणों को त्याग कर दिया और आराम कलाम थे उनको अपना पहला गुरु बनाया। लेकिन वहाँ से उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और वो आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को कई प्रकार से कई गुरुओं के पास गए और उन्होंने क्या किया, सत्य को खोजने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, कोई भी किसी भी गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त, सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक दिन बैसाख की पूर्णिमा को रंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इसे संबोधि कहा गया। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को संबोधि कहा गया। और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्नम में दिया था। यदि हम भगवान गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने चार आर्य सत्यों के बारे में बताया है कि चार आर्य सत्य हैं, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध तथा निरोध गामिनी। और इन दुखों से दूर होने के लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए हैं, 8 रास्ते बताए हैं कि इन 8 रास्तों से दुख से दूर हो सकते हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? पहला मार्ग है, पहले मार्ग की हम बात करें सम्यक दृष्टि, मतलब जो हम देख रहे हैं सम्यक रूप से देखें। मतलब सम्यक का मतलब होता है संतुलित रूप से देखें। संतुलित मतलब देखने का भी एक नज़रिया होता है। ठीक है, ना तो कोई पूर्वानुमान लगाए, ठीक है, ना ही बुरा देखें। बुरा देखने मतलब है बुरे नज़रिए से, है ना। दृष्टि की कैसी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब यदि संकल्प भी लें हम तो कठोर, इतने कठोर ना हो और ना ही इतने लचीले हों कि कभी भी टूट जाए, सम्यक होने चाहिए, है ना। दूसरा है सम्यक वाक, वाक मतलब जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलें, है ना, हमें सम्यक तरीके से बोलें। ठीक है, सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये सभी क्या है, इनके अष्टांगिक मार्गों में आते हैं। सम्यक समाधि, ठीक है, इन सभी की बात करें तो ये भी क्या है, अष्टांगिक मार्ग ही हैं। और ये सभी मार्ग क्या है, दुख से दूर होने के मार्ग उन्होंने बताए हैं। यदि हम बुद्ध धर्म की बात करें तो ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर की जो मान्यता है उसको ये को अनिश्वरवादी मानते हैं, अनात्मवादी भी है ये। ठीक है, बुद्ध धर्म की हम बात करें तो बुद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, बुद्ध संघ और धम्म। कौन कौन से? बुद्ध धर्म और संघ।
यदि हम जातक कथाओं की बात करें जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जातक कथाओं बुद्ध की जीवनी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, त्रिपिटक मतलब तीन पिटकों का समूह है, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों को तो ही त्रिपिटक बोलते हैं, है ना। इन त्रिपिटकों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बाद में बौद्ध धर्म कनिष्क शासनकाल में दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हुआ। पहला भाग था क्या? हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। एक शाखा जो बुद्ध के उपदेश को मानती थी, और एक एक शाखा बुद्ध की मूर्ति पूजा को ये मानते थे। यदि हम देखें बुद्ध के पूरे घटनाक्रम को, तो क्या हुआ उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी घटनाओं को देखें, तो ये बहुत ही इसमें कई फैक्ट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखना है। जैसे जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। तो सारी घटनाएं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने ऐसे और भी कई वीडियोस बनाए हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, उन वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।